डिवाइस, कंप्यूटर इनपुट का, इनपुट डिवाइसेस में एक बहुत बड़ा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस का, इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस को हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत। उसके बाद मूवमेंट्स जो होती हैं, अ पॉइंटिंग डिवाइस आर ऑन द स्क्रीन बाय द मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर। हमें पॉइंटर से अपनी पूरी मूवमेंट जो है वो दिखाई देती हैं कि क्या की मूवमेंट जो है वो हमारी हो रही है पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू। जो भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है वो मैं आप लोगों को नाम बताऊँ, जैसे कि माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पैन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, इन सबको हम लोग जो है एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो आता है वो है माउस। अब देखिए व्हाट इज़ माउस, माउस क्या है, एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें दो बटन लगे होते हैं, एक अपर साइड पे एक और एक स्मॉल व्हील होता है इन दो बटन के बीच में। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट देने में हेल्प करता है हमारी, कमांड जियोग्राफिक फॉर्म में कमांड कौन करता है, माउस करता है। सेलेक्टिंग थ्रू माउस एरो कॉल पॉइंटर आर, इसको पॉइंटर बोलते हैं, जो हमारे मॉनिटर पे हमें, जो हमें हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है। देन दोस्तों हमारा आता है यहाँ पे माउस क्या है, द माउस मे बी यूज्ड टू पोजिशन द कर्सर। कर्सर की पोजिशन जो है वो भी माउस के थ्रू जो है हम आगे पीछे करते हैं। माउस को जो है इन्वेंट किसने किया था, डोगल्स इंगनबोर्ड ने किया था स्टैनफोर्ड रिसर्च में 1963 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने इन्वेंट किया था, डोगल्स ने किया था। कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, तीन तरह के हमारे यहाँ पे, कितने तरह के माउस होते हैं, तीन तरह के माउस होते हैं, कौन कौन से, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। अब अगर हम देखें सबसे पहली चीज़ कि फोर एक्शन जो है वो माउस चार काम कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, ये क्लिक और लेफ्ट क्लिक, सिंपल क्लिक जिसको बोलते हैं, एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक लगाया जाता है। देन डबल क्लिक लगाते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। देन राइट क्लिक लगाते हैं हम डिस्प्ले करना लिस्ट ऑफ कमांड, अगर पूरी हमें लिस्ट ऑफ कमांड चाहिए तो वो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक यूज़ हो सकता है प्रॉपर्टीज़ के लिए भी, राइट क्लिक यूज़ किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप इसके लिए यूज़ किया जाता है, एक आइटम को मूव करने के लिए। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है एक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं हम कि ताकि हम कर्सर की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे लैपटॉप में यूज़ किया जाता है ये, जहाँ पर माउस की स्पेस ना हो। ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं हम सी एम वर्क स्टेशन पर, समटाइम स्क्रीन कंप्यूटराइज, बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन। देन जॉयस्टिक आ जाता है हमारा, जॉयस्टिक क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा। जॉयस्टिक जो है इसको यूज़ कर किया जाता है सी एम सिस्टम में। जॉयस्टिक जो सिमिलर है माउस के, एक्सेप्ट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप्स आर वर्किंग सून स्टॉप द वर्किंग ऑफ द माउस। बट जॉयस्टिक के साथ क्या होता है, पॉइंटर जो है वो कंटिन्यू अपना काम करता है। जैसे कि माउस में जो है, जैसे हम माउस को बंद कर देंगे तो पॉइंट जो है हमारा वो बंद कर देगा काम करने में, लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा नहीं है। जॉयस्टिक की मूवमेंट होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि जॉयस्टिक कितनी मूवमेंट्स कर सकता है, तो 360 मतलब कि वो हर एक डायरेक्शन में पूरी तरह से मूव कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है लाइट पेन। वॉट इज लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, एक ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको यूज़ किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स के लिए। पेन जो है इसमें फोटो सेल होता है स्मॉल ट्यूब। अब देखिए लाइट पेन जो है इसको, इट इज़ यूज्ड स्पेशली, इसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए में यूज़ किया जाता है। तो पीडीए में अगर आपको आ जाए कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लाइट पेन। पीडीए में यूज़फुल है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, इट इज़ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेटिज हेल्प अवर द ब्लैंक पार्ट। अगर आप इसको ब्लैंक पार्ट में लगा दोगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं देगा। देन टच स्क्रीन आ जाती है हमारी, टच स्क्रीन ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट हमसे डेटा लेगा यूज़र से और उसको कंप्यूटर में डाल देगा। देखिए इनपुट से हम क्या, टच स्क्रीन पे, टच स्क्रीन जो है हमें बीम ऑफ स्क्रीन, देखिए द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकली इंडिकेट्स। टच स्क्रीन हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, देखिए एटीएम में मिलती है, हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे आगे हमारे फ़ोन में, जैसे अगर हमें कोई डेटा लेना टाइप करें तो हम सीधा टच करते हैं, तो ऐसे में टच करूँ तो देखिए यहाँ पर भी टच स्क्रीन की हेल्प से ही जो पूरा डेटा यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। देन आता है हमारा बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। देखिए बार कोड रीडर इमेट बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट द बार कोड इमेज। यहाँ पे ये बीम ऑफ लाइट इसे निकलती है जिससे इमेज हमें दिख जाती है पूरी आगे प्रोडक्ट की, उसके प्राइस की। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टिव बार कोड रीडर आइडेंटिफाई द बार कोड इमेज बाई रिकोगनाइजिंग स्पेशल बार। मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, ये इस पर जो है बीम ऑफ लाइट जब पड़ती है तो हमें पूरा प्राइस वगैरह मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बार कोड रीडर हमें जैसे सुपर मार्केट में हमें ये चीज़ दिखाई देती है। देन हमारा आता है ओ एम आर, सब लोग वाकई के हम जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो ओ एम आर जो है इसको ऑप्टिकल मॉक रिकॉग्निशन, OMR का मतलब है ऑप्टिकल मॉक रिकॉग्निशन, एक प्रोसेस डिटेक्टिंग करने का प्रेजेंस मॉक्स को। OMR मेनली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है पेपर्स में, जिसमें क्या होता है, यूज बीम ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन पेपर विद मॉक्स टू कैप्चर द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ डेटा। देन हमारा, मैं आपको बता दूँ OMR में ये सारी चीज़ों, देन आ गया हमारा OCR।
OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जो है ये भी एक टेक्निक है स्कैनिंग करने की, प्रिंट पेज प्रिंट करने की, ट्रांसलेटिंग। OCR सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज एज ASCII। OCR जो है इसको यूज़ किया जाता है टेक्सचुअल डेटा फॉर एक्वायरिंग टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेज। एक इमेज का टेक्सचुअल डाटा हमने लाना तो हम OCR का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल्स में OCR का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बिल्स में, इंश्योरेंस के लिए OCR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो OCR को ICR भी बोला जाता है, ICR मतलब इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देन हमारा आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक MICR जो है इसमें क्या होता है, एग्जामिंग देयर शेप्स इन मैट्रिक फॉर्म, इन्फॉर्मेशन इज देन पास टू द कंप्यूटर। इंक को ये इन्फॉर्मेशन लेता है और वहाँ से भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। कैरेक्टर जो प्रिंट किए जाते हैं स्पेशल इंक के थ्रू, जिसको ये पूरी तरह से जानकर जो है कंप्यूटर को पूरा इनपुट दे देता है। इट इज जनरली ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, चेक्स के लिए। तो चेक्स के लिए आपको MICR यूज़ किया जाता है। देन हमारा आता है स्मार्ट कार्ड का रीडर। ये भी एक डिवाइस है, एस एस द माइक्रो प्रोसेसर स्मार्ट कार्ड। दे टू काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड होते हैं, एक होता है मेमोरी कार्ड और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड जो है वो कार्ड है जिसमें एक नॉन वोलाइट मेमोरी होती है और कंपोनेंट स्पेशल लॉजिक सिक्योरिटी। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, वोलाइट मेमोरी होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वोलाइट मेमोरी किसमें होती है, वो होती है माइक्रो प्रोसेसर में और नॉन वोलाइट जो होती है मेमोरी कार्ड में। कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक जनरली PVC। देन हम आता है बायोमेट्रिक सेंसर। ये भी सब बच्चे से भी वाकिफ होंगे। ये डिवाइस है जो फिजिकल बिहेवियर को ट्रेड करता है हमारे। तो अगर फिजिकल बिहेवियर को जांचने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करता है, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर जो है ये अटेंडेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन हमारा आता है स्कैनर। स्कैनर को किसी यूज़ करते हैं हम, डेटा एंड इमेज ऑन द पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म में। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इसको लाइट को यूज़ करता है एज अ इनपुट सोर्स और इमेज को कन्वर्ट करता है देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दैट कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर। देखिए स्कैनर कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल फॉर्म। हम लोग भी स्कैन करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो स्कैन स्टोर इमेजेस इन बोथ ग्रे स्केल एंड कलर मोड में भी, दोनों में करता है, आप जिसमें चाहे वो करवा सकते हैं। स्कैनर कितने तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है हैंडहेल्ड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर जो है ये वे छोटे छोटे साइज के होते हैं और लेस एक्सपेंसिव और लेस वाइड, इसलिए छोटा बोल देता है हैंडहेल्ड जो है। बट देयर हैंडलेस इज मेजर एडवांटेज ऑफ द हैंड। अब फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है इमेजेस के लिए। देन हमारा आता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं, रोलिंग ड्रम। द शीट इज फिट थ्रू द स्कैनर सो द ड्रम रोल ऑफ द एंटायर शीट्स टू बी स्कैन। तो इसमें शीट डाल दी जाती है, देन वो ड्रम जो पूरी रोल रोल करके जो है हमारी इमेज को वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देन माइक, वी कैन सेंड आउटपुट कंप्यूटर में, माइक के थ्रू भी इनपुट डाल सकते हैं, जिसको माइक माइक्रोफोन या माइक बोला जाता है। ये रिसीव करता है साउंड को, देन उसको कंप्यूटर में डिजिटल साउंड, उसको डिजिटल साउंड के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। तो कन्वर्ट द वॉइस डिजिटल फॉर्म यू नीड, हमें क्या चाहिए, एक एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होता है, इसका नाम होता है साउंड कार्ड। तो माइक यूज़ करने के लिए हमें साउंड कार्ड का जरूरत यहाँ पे पड़ता है। माइक्रोफोन कैन बी अटैच टू कंप्यूटर टू रिकॉर्ड द साउंड। नाउडेज माइक्रोफोन्स आर आल्सो यूज्ड विद द स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। दिस मीन दैट वी डू नॉट हैव टू टाइप। आजकल हमें क्या है, आजकल तो हमें गूगल में जो स्पीच रिकॉग्निशन का मिल चुका है, क्योंकि वहाँ पे हम टाइप करेंगे जो हम बोलेंगे वही यहाँ पे इनपुट हमारा चल जाए। देन आता है हमारा वेब कैमरा। वेब कैम बोलते हैं इसको, वीडियो कैप्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेब कैम एक डिजिटल कैमरा है, कंप्यूटर के साथ लगा होता है। तो कैमरा कनेक्ट टू द कंप्यूटर अलो एनी वन दोज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू व्यू आइदर स्टिल पिक्चर एंड मोशन द ऑब्जेक्ट। नाउडे आजकल तो जो हमारे वेब कैमराज हैं वो पहले से ही अटैच होके आते हैं। फिर हमारा था PC कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट फिल पर्सनल डेटा। ये पर्सनल डेटा को फिल करने के काम आता है हमारे, जैसे कि नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ PC इज टेली कम्युनिकेशन। PC का यूज़ कहाँ पे, टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। आज के लिए